हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं अपने चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव रहेंगे सफलता अवश्य मिलेगी। आप सब स्वस्थ रहिए, पॉजिटिव सोचिए और अपने आप, अपने बॉडी, अपने माइंड, अपने सोल का ज़्यादा ध्यान रखिए। हेल्थ का ध्यान दीजिए, टेंशन नहीं लीजिए और अपने ऊपर फोकस कीजिए, सेल्फ लव कीजिए, सेल्फ रिस्पेक्ट कीजिए। तो माई सोल फैमिली, माई व्यूवर्स, माई सब्सक्राइबर्स, गॉड ब्लेस यू डियर। आज का जो वीडियो मैं बना रही हूँ, मैं ये देखना चाहती हूँ कि आपके पार्टनर आपसे क्या छुपा रहे हैं। ठीक है, तो ये है टॉपिक वीडियो का डियर, और आप लोग को ये देखना है क्या ये आपके पार्टनर की करेंट एनर्जी या फिर आपके पार्टनर की ये फीलिंग्स है। तो डियर, चलिए ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं ये आपको बोलना चाहूंगी, ये ऑल साइन है, ये मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड सबके लिए है। तो आप लोग को पॉजिटिव रहना है क्योंकि आप बहुत खूबसूरत हो। बस आपको अंदर, अपने अंतर आत्मा में झांकने की जरूरत है। आप बहुत ही खूबसूरत हो, बहुत ही खूबसूरत हो, इसलिए खुद को भी खूबसूरत समझिए और बनाइए। ठीक है, तो चलिए डियर, ये सारे साइन है, ये कलेक्टिव रीडिंग है। ठीक है, तो डियर अगर मुझसे पर्सनल सेशन लेना हो, ठीक है, तो मेरे ईमेल आईडी पे ही कांटेक्ट करें। ईमेल आईडी मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होते हैं। मेरे प्रश्न सेशन के चार्ज होते हैं, ईमेल आईडी पे ही आप चार्ज भी पूछ सकते हो। और जो भी आपको पूछनी है, चार्ज है, हीलिंग करवानी हो, गाइडेंस लेनी हो, ट्विन जर्नी में हो, सोलमेट जर्नी में हो, एनर्जी चेक करानी हो, चक्रस बैलेंस कराना हो, कुछ भी टॉपिक पे आपको मुझसे सेशन लेना हो तो मुझसे सेशन ले सकते हो। लेकिन डियर डायरेक्ट मेरे ईमेल आईडी पे ही कांटेक्ट कीजिएगा। ठीक है, साइन जो मुझे यहाँ दिख रहे बाबू, मैं बता देती हूँ। टॉरस है, कैप्रिकॉन है, लियो सेजिटेरियस, जेमिनाई, लियो टॉरस जेमिनाई लिब्रा वर्गो, ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। कैप्रिकॉन सेजिटेरियस, ये सब साइन मुझे बहुत ही स्ट्रांग दिख रहे हैं डियर, लेकिन ये सारे साइन के लिए। ठीक है, तो चलिए डियर, यहाँ आपके पार्टनर आपसे क्या छुपा रहे हैं। तो देखिए डियर, यहाँ दो तीन तरह की एनर्जी मुझे दिख रही है जो रेजोनेट करता है। मेरे व्यूवर्स की सबकी अलग एनर्जी है। ठीक है, तो सबके थोड़ा, मैं यहाँ दो से तीन तरह की एनर्जी मैं देख पा रही हूँ। तो यहाँ पे जो आपके पार्टनर आपसे छुपाना चाहते हैं वो मैं आपको शेयर कर रही हूँ। ये देखो डियर कि ये आपके पार्टनर की एनर्जी है। प्लीज विश्वास करना है, और आप निगेटिव थॉट्स रखोगे तो वही आपको रिटर्न आपके साथ वही होगा। अगर आप सोचोगे आपके पार्टनर नहीं आ रहे, नहीं आ रहे, तो नहीं आएंगे। अगर आप बोल रहे हो मेरे पार्टनर मेरे पास है, प्रेजेंट में मैनिफेस्ट कर रहे हो, वो होगा। क्योंकि क्योंकि मेरे बहुत सारे व्यूवर सोलमेट जर्नी में है, ट्यून जर्नी में है, तो आप मैनिफेस्ट भी करो। कुछ लोग देखो बाबू, मैं यहाँ एक और एनर्जी करी कुछ लोग की, चंद लोगों की, कि वो मेडिटेशन नहीं करते हैं, सिर्फ वो चेस करते हैं और बोलते हैं मेरे पार्टनर क्यों नहीं आ रहे। तो यहाँ पे भी मैं एंजल से पूछ रही हूँ कि आपकी एनर्जी अभी जो भी आप सोच रहे हो, बहुत टाइम लगेगा। जो आप बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हो और कोई इनर वर्क नहीं कर रहे हो, तो बहुत ही टाइम लगने वाला है बाबू। क्योंकि यहाँ एनर्जी है अवेकनिंग की, अवेकनिंग से गुजर रहे हो, बैलेंस हो गई है कुछ लोगों की, कुछ लोग अवेकनिंग से गुजर रहे, कुछ लोग अवेकनिंग से गुजरने वाले हैं। ठीक है, यहाँ सब तरह की एनर्जी है। तो चलिए दिया, आपके पार्टनर आपसे क्या छुपा रहे हैं। तो यहाँ पे जो पार्टनर की एनर्जी निकल रही है, वो आपसे अपने इमोशंस को बहुत ज्यादा दबा रहे हैं और छुपा रहे हैं। ठीक है, प्यार बहुत है, अनकंडीशनल लव है, लेकिन ये छुपा रहे हैं। कुछ के पार्टनर आपसे कुछ शेयर करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ आपसे डर रहे हैं कि आप मानोगे या नहीं मानोगे। यहाँ पे आपके पार्टनर ये भी सोच रहे हैं कि इस रिश्ते का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आपका वो अब दिल नहीं दुखाना चाहते हैं। वो इसलिए डियर कि यहाँ आपके पार्टनर की मैरिज हुई है या मैरिज ठीक हो गई है। ठीक है, कुछ मेरे व्यूवर्स की भी मैरिज ठीक हो रही है या फिर हो चुकी है, जिससे आपके पार्टनर के माइंड में चल रहा है कि मैं टूट चुका हूं, मैं बर्बाद हो चुका हूं। अब वो आपके तरफ एक्शन नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन ये दिल से नहीं बोल रहे डियर, ये अपने ही अंदर, अपने आत्मा से जुड़ कर अपने आप को ही ये तोड़ रहे हैं। क्योंकि कोई फायदा नहीं है, किस किस का ये दिल दुखाएंगे, आपका, खुद का या तीसरे का। ठीक है, ये आपके पार्टनर सोच हैं, लेकिन प्यार बहुत है। ठीक है, वो आपके तरफ बढ़ना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। हो सकता है मेरे कुछ व्यूवर्स के साथ ऐसा हो रहा कि आपके पार्टनर बार बार कॉल कर रहे हैं और आप काफी सोच रहे हो कि क्या करूं, कैसे करूं, ऐसी भी एनर्जी है। तो देखिए डियर,
यहाँ पे मैं बोलना चाहूंगी कि आपके डिसीजन डियर, यहाँ पे डिसीजन सोच समझ कर लीजिए, क्योंकि यहाँ कुछ के पार्टनर की मैरिज हो रही है या फिर हो चुकी है, तो यहाँ पे मैं यही कहूंगी कि आपको यहाँ बैलेंस करने की जरूरत है, खुद पर फोकस करने की जरूरत है, सेल्फ लव करने की जरूरत है, सेल्फ रिस्पेक्ट करने की जरूरत है, क्योंकि अभी मैं देख रही हूँ मेरे बहुत व्यूवर्स के साथ ऐसा हो रहा है जो कि अंदर ही अंदर घुट रहे हो, रो रहे हो, तड़प रहे हो। अब क्या होगा, कैसे होगा, अब कुछ नहीं हो सकता है। तो डियर ये कुछ नहीं हो सकता है का आप मन में बात ना लाए, अपने ऊपर फोकस करें, यूनिवर्स आपके लिए कुछ खास सोच कर रखा है, क्योंकि आने वाले लाइफ में आपके लिए बहुत कुछ है, बस आपको उस मंजिल तक पहुंचना है पॉजिटिव होकर, खुद पर फोकस कर कर, क्योंकि आप लोग के कुछ व्यूवर्स का करियर में आने वाले टाइम में करियर आपका अच्छा हो रहा है, बस डियर मैं यहाँ देख लूँ कि आपको अपने ऊपर फोकस करना है, ठीक है। कुछ के पार्टनर बहुत ज्यादा आपकी तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, कॉल मैसेज भी आ रहा है, कुछ लोग को नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ अपने इमोशंस को दबा रहे हैं, क्योंकि ये इमोशंस को तो दबा रहे हैं, यहाँ पे ईगो प्रॉब्लम है डियर, ठीक है। यहाँ पे आपके पार्टनर का ईगो प्रॉब्लम है, और देखिए ये हर तरह से स्ट्रांग होना चाहते हैं, मतलब मेंटली, फिजिकली और फाइनेंशियली फिट। ये जिम भी जाते हैं, आपके पार्टनर यहाँ जिम जाते हैं, अपने बॉडी पर, अपने फिगर पर बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं, मेंटली बहुत स्ट्रांग होना चाहते हैं और फाइनेंशियली बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना चाहते हैं, जबकि इनके पास सब कुछ है, अच्छी लाइफ स्टाइल है, अच्छी फाइनेंस है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे मैं बोलूंगी कि अपने फिगर पर, अपने बॉडी पर, अपने आप पर बहुत ज्यादा ये फोकस कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ फ्लर्टिंग नेचर आपके पार्टनर की है, यानी कि आपके पार्टनर किसी से फ्लर्टिंग भी कर रहे हैं लेकिन आपसे प्यार करते हैं, ये टाइम पास भी किसी से कर रहे हैं, लेकिन जो होता है डियर कि जैसे आपके साथ उन्होंने प्यार किया है वो किसी और के साथ नहीं है, बस फ्लर्टिंग चल रहा है, टाइम पास चल रहा है, ये फिटनेस पे ध्यान दे रहे हैं, ये मेंटली बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अपने इमोशंस को दबा रहे हैं और कहीं ना कहीं ये बिजी रह रहे हैं कि आपकी यादों से ये दूर जाए, लेकिन ये ऐसा होने वाला नहीं है डियर, क्योंकि आपका जो भी शक्ति है, आप जो मैनिफेस्ट कर, जो आपकी पावर है, यहाँ आपके पार्टनर की तरफ जा रही है, और ये पार्टनर आपके रात भर सोच रहे हैं, कहीं भी बिजी रह रहे हैं, हाँ ये बिजी रह रहे हैं, कुछ के पार्टनर बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं, किसी से रात भर बात करते हैं, लेकिन यहाँ पे यहाँ आपको जेलसी भी फील कराते हैं, दूसरे नंबर से, दूसरे मोबाइल से आपको चेस कर रहे हैं कि आप ऑनलाइन हो या नहीं हो, तो ये शक भी है और आपको चेस भी कर रहे हैं, एक ऑनलाइन अपने मोबाइल को भी देखते हैं और दूसरे मोबाइल से आपको चेस भी कर रहे हैं, फेक आईडी से आपको चेस कर रहे हैं, ऐसी भी एनर्जी है। तो यहाँ पे अपने आप को आपके पार्टनर बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं, अपने ऊपर बैलेंस में आ रहे हैं, क्योंकि ये अपने आप को अच्छी तरह बैलेंस करेंगे डियर, ये आपके तरफ बढ़ेंगे, थोड़ा सा इनकी एनर्जी में थोड़ा वेटिंग एनर्जी है डियर, ठीक है, ये वेटिंग एनर्जी है, लेकिन कॉन्टेक्ट हो सकती है, बात हो सकती है, और फिर यहाँ पे किसी के पार्टनर मैं देख रही हूँ ऑन ऑफ सिचुएशन करने वाले हैं, इसलिए आप लोग मेडिटेशन करते हो, इसलिए यूनिवर्स ने आपको क्यों बोला मेडिटेशन करो, यानी कि आप बैलेंस में आओगे, आप सोच समझकर किसी चीज पर फोकस कर सकोगे, अभी आपके पार्टनर ऑन ऑफ करते हैं तो कम से कम इतनी आपके अंदर की एनर्जी इतनी पावरफुल है कि आप सोच समझ सकते हो कि मेरे पार्टनर आ रहे और जा रहे हैं, ऑन ऑफ कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, मुझे बैलेंस में क्यों रखना है, मुझे डिप्रेशन में नहीं जाना है, मुझे अपने आप को हील करना है, इसलिए मेडिटेशन करना बहुत जरूरी है। तो ये एनर्जी मुझे ऑन ऑफ की लग रही है, क्योंकि इस इंसान में थोड़ी सी मैं देख रही हूँ इस पर्सन में ईगो प्रॉब्लम अभी भी है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा फिटनेस पे ध्यान दे रहे हैं, जिम जाते हैं, जिम वहां पे फ्रेंड से सर्किल बढ़ाया, मतलब कहने का मतलब इनकी फ्लर्टिंग चल रही है और ये आपको चेस भी कर रहे हैं, ठीक है, ऑनलाइन आपको शो भी करते हैं, ये किसी से बात भी करते हैं और दूसरे नंबर से आपको चेस भी करते हैं, फेक आईडी से आपको चेस कर रहे हैं, ठीक है। आप क्या कर रहे हो, कब क्या करो, भले ही आपसे बात ना कर रहे हो लेकिन आप पे नजर बहुत ज्यादा है डियर, ठीक है, लेकिन ये दिल से चाह रहे हैं कि आप उनसे बात करो, ठीक है, ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये आपको चाहते हैं कि आप उनके तरफ फोकस करो, तो यहाँ पे आप देख लो डियर कि इनकी एनर्जी कैसी है, ये अपने ऊपर फोकस कर रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि आप उनको कॉल मैसेज करो, तो यहाँ क्या मतलब हुआ, सेल्फ लव, ये सेल्फ रिस्पेक्ट खुद कर रहे हैं ताकि ये आप उनसे बात करो, ये चीज अब आपको करनी है, ठीक है, अपने फिगर, अपने
ऊपर ज्यादा फोकस करना है, सेल्फ लव करना है, और आपको ये सोचना है कि अब आप कॉल करो, मैं नहीं करूंगी या मैं नहीं करूंगा। मेल हो या फीमेल हो, जो भी इस वीडियो को देख रहे हो, आपको ऐसे सोचना है कि अब मैं अपने ऊपर फोकस कर रहा हूं या कर रही हूं, अब आप मुझे करो। क्योंकि ये जो एनर्जी है, अपने ऊपर फोकस करना, मेंटली फिजिकली स्ट्रांग होना, फाइनेंस अच्छा होते हुए भी, डियर आपकी फाइनेंस कुछ की बहुत अच्छी है, तो आप भी ये काम कर सकते हो। तो यहाँ पे मिरर कर सकते हो, क्योंकि मिरर हो नहीं रहा यहाँ पे, लेकिन ये आप मिरर कर सकते हो, ठीक है। कुछ के पार्टनर बहुत उदास हैं, आपसे दूर जाने का उनको गम है, आपको मैनिफेस्ट करें किसी तरह, आप उनसे बात करो। हो सकता है कि यहाँ मैरिज वाली आ रही थी एनर्जी, तो हो सकता है ये भी एनर्जी हो डियर, लेकिन उन्हें बहुत एहसास हो रहा है, उन्हें गिल्ट हो रहा है डियर इस रिश्ते को लेकर। देखिए ये छुपा जरूर रहे, प्यार बहुत आपके लिए, ठीक है, इस रिश्ते को लेकर वो निभाना चाहते हैं। अगर इस पार्टनर की मैरिज हो रही है या फिर आपकी हो रही है डियर, तो ये रिश्ते को लाइफ टाइम तक निभाना चाहेंगे। ये इनकी थॉट्स है, ये इनकी एनर्जी, ये इनकी फीलिंग्स है, ये जो अंदर ही अंदर सोच रहे हैं। वो जान रहे हैं कि हो सकता है आपकी, अगर आपकी मैरिज हो रही है और आपके पार्टनर की मैरिज हो रही है, तो ये आपके पार्टनर सोच रहे हैं कि ये रिश्ते, ये रिलेशनशिप को पूरी लाइफ में चलाऊंगा या चलाऊंगी, ठीक है। ऐसी भी एनर्जी, अगर आप मैरिड हो, ठीक है, अगर आप मैरिड हो या फिर आपके पर्सन मैरिड हैं, तो थोड़ा यहाँ प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, क्योंकि घर वाले, फैमिली वाले बिल्कुल इस मैरिज के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। यहाँ पे आपके पार्टनर चुप बैठे हुए हैं, अपने इमोशंस, अपने लव को छुपा रहे हैं, ठीक है। वो किसी का दिल नहीं दुखाना चाहते हैं, और इसीलिए आपको वो खुलकर बात नहीं कर रहे हैं। वो आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, रियूनियन चाह रहे हैं, बहुत जल्द कुछ लोग की रियूनियन तो हो रही है, बट यहाँ कंफ्यूजन हमारे हर व्यूवर्स में कि अपने दिल की बात बहुत ज्यादा छुपा रहे हैं। तो यहाँ दो से तीन तरह की एनर्जी निकल के आ रही है डियर। आपको लगता है आपके पार्टनर ने धोखा दिया, चीट किया, तो यहाँ पे किसी के पार्टनर ने धोखा दिया है, चीट भी किया है, फिजिकली आपको बहुत यूज किया है, आपने हर तरह से मदद की है, इसलिए इस इंसान को आपको लेकर ये ज्यादा सोच रहे हैं कि आपके साथ उन्होंने गलती की। लेकिन यहाँ पर आपको खुलकर वो बोलेंगे बिल्कुल नहीं, सिर्फ आपको ये दिमाग में रखना है कि आपके पार्टनर ऐसा सोच रहे हैं, और ये उदास भी है डियर, खुलकर हंस नहीं पा रहे हैं। देखिए यहाँ पे जो एनर्जी, कितना भी आप फिजिकली, मेंटली, आप फाइनेंशियली कितना भी स्ट्रांग हो जाओ, जो अंदर की खुशी, अंदर की पीस, जो प्यार मिलती है, वो अगर ना मिले तो वो दुनिया अधूरी होती है, जो कि आपके पार्टनर के पास है। सोसाइटी, समाज, फैमिली में ये दिखावा जरूर करते हैं, लेकिन यहाँ पे सही पूछे तो आपसे हटने की, दूर जाने की सजा है, अपने ऊपर फोकस कर रहे हैं, क्योंकि आपकी यादें, आपका साथ, आपका सपोर्ट जो मिला है, उनसे उनको अंदर गिल्ट सा महसूस होता है। यहाँ पे इसलिए अपने ऊपर फोकस कर रहे हैं, हर तरह से स्ट्रांग बनाना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे जो मेंटली और फिजिकली स्ट्रांग बना रहे हैं, ये फ्लर्टिंग भी कर रहे हैं, लेकिन दूसरे नंबर से आपको फेक आईडी से चेस भी कर रहे हैं, क्योंकि आप तो आप हो, आप कुछ खास हो, ठीक है, क्योंकि आप उनके काउंटर पार्ट हो डियर। यहाँ सोलमेट जर्नी, ट्विन जर्नी की एनर्जी दिख रही है, ठीक है। यहाँ पे कुछ के पार्टनर लॉन्ग डिस्टेंस पे हैं, ठीक है, कुछ लोग पास में हैं, लेकिन मेंटली डिस्टेंस मुझे दिख रहा है, खुलकर आपसे पार्टनर आपको बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि आपके पार्टनर बहुत जल्द आपको मनाने की कोशिश करें। अभी इनसिक्योर सा उन्हें हो रहा है आपकी तरफ बढ़ने से, बात करने से, ना बात करने से, ये अंदर से नहीं होता है, इनमिच्योर वाली एनर्जी, क्या करूं, कैसे करूं, क्या बोल दूंगा, क्या बोल दूंगी, ये ऐसी एनर्जी, लेकिन ये खुद को अंदर ही अंदर अपने प्यार को, अपने इमोशंस को दबा रहे हैं, लेकिन ये ज्यादा दिन नहीं चल रहा है डियर। आपकी पार्टनर बहुत जल्द, देखिए कुछ की तो एनर्जी ऐसी, बातचीत हो रही है, कॉल मैसेज आ रहा है, कुछ को अभी और आने वाला भी है डियर, ठीक है। तो किसी के पार्टनर मिलने को बोलेंगे, लेकिन यहाँ पे जो कुछ के लिए रियूनियन बहुत जल्द है, बहुत जल्द कमिटमेंट है, लेकिन कुछ के लिए बहुत ही वेटिंग एनर्जी है डियर, ठीक है। तो देखिए अपना, मैं यहाँ बोलूंगी डियर कि आप अपना हेल्थ का ध्यान दीजिए, अपने ऊपर फोकस कीजिए, क्योंकि अपना हेल्थ पर ज्यादा ध्यान दोगे तो ही आगे कदम बढ़ा सकते हो। क्योंकि यहाँ पे आपके पार्टनर की एनर्जी में दो चॉइस आ रही है, मेरे कुछ व्यूअर्स के भी
लाइफ में दो चॉइस है, हो सकता है कि आप कुछ व्यूअर्स कार्मिक के साथ डील कर रहे हो, ठीक है, ये भी एनर्जी है, कुछ टॉक्सिक रिलेशनशिप है उसके साथ भी आप कर रहे हो लेकिन चाह कर भी नहीं निकल पा रहे हो। यहाँ पे आपको अपने पर फोकस करना होगा क्योंकि सही दिशा जाने के लिए आपको मेंटली फिजिकली हर तरह से बैलेंस करना होगा। तो देखिए डियर, यहाँ पे अट्रैक्शन है, प्यार है, फीलिंग्स को छुपाना, इमोशंस को छुपाना, प्यार को छुपाना, सच्ची बातों को छुपाना आपके पार्टनर कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, आपके बिना अधूरे, क्योंकि किसके पार्टनर आपको याद तो करते हैं, इसके वजह से दूर जाने की भी कोशिश करते हैं लेकिन कोई फायदा नहीं है, खुद पर वो फोकस कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप भी उनको कॉल मैसेज करो, आप उनको मनाओ, आप उनको पैम्पर करो। तो डियर मैं यहाँ दो तीन तरह की एनर्जी है, देखिए इसमें मेरे बहुत व्यूवर्स की एनर्जी है, सबको बहुत कुछ मैच हो सकता है, किसी को यहाँ पे मैं देख रही तीन एनर्जी है तो किसी व्यूवर्स को थोड़ा थोड़ा भी एनर्जी मैच हो सकता है, किसी व्यूवर्स का पूरा मैच हो सकता है क्योंकि किसी के पार्टनर में पूरा एनर्जी है। तो डियर देखिए ये वीडियो आपको कैसी लगी, यहाँ पे मैं फिर से यही बोलूंगा बाबू कि सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ लव, मेडिटेशन और गॉड यूनिवर्स एंसेस्टर को, अर्थ मदर को ग्रेटिट्यूड दीजिए, खुद को हील कीजिए, तभी आप कोई डिसीजन ले पाओगे डियर। क्योंकि अभी भी मैं देख रही हूँ आप बहुत स्टक हो, बहुत परेशान हो, आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या एक्शन लूं। एक्शन लेने के लिए डियर आपको अंदर से हीलिंग चाहिए, पॉजिटिविटी चाहिए और बैलेंस चाहिए, उसके लिए क्या है, मेडिटेशन, ठीक है। जितना आप गॉड यूनिवर्स एंजल्स को ग्रेटिट्यूड देंगे उतनी जल्दी आपको सफलता मिलेगी और आप नए कुछ भी हो आप डिसीजन ले सकते हो, ठीक है। तो चलिए डियर ये वीडियो आपको कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं डियर। सो गॉड ब्लेस यू एंड थैंक यू।